हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे माउंट आबू अगर आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी बेस्ट टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 जगह हैं, कैसे आप माउंट आबू के अंदर घूम सकते हैं अच्छी अच्छी जगह पर अपने कम से कम समय के अंदर, ये हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। वैसे जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं माउंट आबू में, सबके एक एक वीडियो हम ऑलरेडी आपको डाल करके बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली नंबर वन जगह कौन सी है माउंट आबू में देखने के लिए? नंबर वन जगह है गुरु शिखर। गुरु शिखर बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे जाने का रास्ता भी बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। हरियाली चारों ओर भरी हुई और वहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो चारों ओर का बहुत ही गजब है। पहाड़ियों से नीचे जो समतल मैदान है वहाँ तक और आबू पर्वत के अलावा आसपास जो भी पर्वत होंगे वो तक दिखाई देते हैं वहाँ से। बहुत ही ऊंची है गुरु शिखर, वाकई में बहुत अच्छा है गुरु शिखर। उसके बाद में दो नंबर जो है वो आबू पर्वत शहर के अंदर यानी पास में ही नक्की लेक है, वहां पर आप जा सकते हैं। चारों ओर वहां पर टहलने के लिए जगह बनी हुई है, पार्क बने हुए हैं, अच्छी अच्छी फ्लावर लगाए हुए हैं, बोटिंग होती है, अगर आप बोटिंग करने के इच्छुक बोटिंग कर सकते हैं। और वहां से जो चारों ओर का व्यू, पहाड़ियों का भी व्यू वहां से बहुत अच्छा आता है, तो नक्की लेक भी बहुत अच्छी जगह है। और तीन नंबर जो जगह है वो है अचलगढ़ फोर्ट, जो कि उसके थोड़े अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन अचलगढ़ फोर्ट का जो पहाड़ है वो एकदम बीच में, आबू पर्वत जितना भी है उसके एकदम बीच में है। वहाँ पे एक जैन टेंपल भी बना हुआ है, बहुत ही पुराना 2500 साल पुराना वहाँ पे मंदिर है, और हरियाली के बीच में वो पहाड़ और मंदिर और वहाँ का सीन बहुत ही अच्छा लगा, एकांत। आप अगर वहाँ जाते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस एक बात है, हमने आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि थोड़ी रिस्क वाली जगह है, तो ऐसे रास्तों पर कृपया करके आप ना जाएं। उसके बाद में चार नंबर जो चीज हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है हनीमून पॉइंट। अगर आप हनीमून पॉइंट जाएंगे तो हमने जैसे कि दिखाया था शांत एकांत, और वैसे माउंट आबू में अधिकतर कपल्स वगैरह जाते हैं हनीमून मनाने के लिए तो या घूमने के लिए, तो ये इस जगह पर आप जरूर जाएं, वो स्पेशली आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन भी अच्छी है, और वहाँ पर जो व्यू आता है नीचे का और ऊपर पहाड़ियों का बहुत अच्छा व्यू आता है। और उसके बाद में जो पांच नंबर है वो है अर्बुदा देवी या अधर देवी का मंदिर, ये भी बहुत अच्छी जगह है। आप ऊंचाई से आबू पर्वत शहर का व्यू देख सकते हैं, और उसके जो मंदिर है वहां पर गुफा के अंदर मंदिर है, तो आप जब जाएंगे तो नीचे लेट करके आपको जाना होगा। प्रसिद्ध है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है। छह नंबर कौन सी रहेगी? और छह नंबर जो हमें अच्छी लगी वो होनी चाहिए मिनी नक्की लेक। ये आती है जब हम जाते हैं अचलगढ़ या फिर गुरु शिखर जाते हैं माउंट आबू मार्केट से, तो रास्ते के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी झील तालाब सा बना होता है जिसे वहाँ मिनी नक्की लेक कहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, पहाड़ों के बीच में पेड़ पौधे और पानी भरा हुआ है, और अच्छी जगह, शांत एकांत पहाड़ों के बीच में। अगर आप जाएं तो जंगली जीवों का ध्यान रखना, थोड़े जंगल के अंदर है। उसके बाद में सात नंबर जो जगह है वो सनसेट पॉइंट, जो हनीमून पॉइंट है उसी दिशा में, अलग साइड में है, एक साथ में नहीं है, अलग साइड में है, लेकिन दिशा वही है। सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है, यानी कि आप हनीमून पॉइंट से भी सनसेट देख सकते हैं। बस सनसेट पॉइंट में ऐसे है कि आप वहाँ जाएंगे तो जितने लोग टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो शाम को वापस लास्ट में सनसेट पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी शाम के टाइम में वैसे भीड़ नजर आएगी लोगों की, और कुछ पॉइंट्स बने हुए, चौक बने हुए अलग अलग, वहाँ पर आप खड़े होकर के देख सकते हैं अभी सनसेट हो रहा है ये। और आपको बता दूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी ही 2 साल पहले शुरू हुआ है, हमने भी दी थी, वहाँ पर एंट्री फीस लगती है सनसेट पॉइंट जाने के लिए, तो 50 रुपये, और स्टूडेंट के 20 रुपये, और विदेशी पर्यटक के 300 रुपये, इस तरह से है। तो वो अगर आप सनसेट देखने के इच्छुक हैं, और कुछ नहीं है देखने लायक वहाँ पर, मैं कह रहा हूँ ना हनीमून पॉइंट पे जैसा आपको नजर आएगा सब वैसा ही है करीब, बस वहां पर जाने के आपको सनसेट के पैसे लगेंगे, और उस जगह का नाम पर्टिकुलर सनसेट पॉइंट है। अच्छा, वहां जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, गाड़ी नहीं जाने देंगे अंदर, तो आप जा सकते हैं किसी घोड़े पर बैठ के, किराए पे, वो अलग पैसे लगेंगे, कोई घोड़े के ऊपर बैठ के चले गए वगैरह वगैरह वगैरह। और जो 8 नंबर हमें अच्छी जगह लगी वो थी पीस पार्क। जब हम जाते हैं माउंट आबू के मार्केट से गुरु शिखर की तरफ, तब बीच में आता है पीस पार्क, और यह बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट बने हैं, और पीस पार्क के अंदर घूमने के लिए बगीचे, फूल वगैरह बने हुए हैं, ये भी एक पॉइंट है घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए। और 9 नंबर जो है वो दलवाड़ा का जैन मंदिर है। अगर आप गुरु शिखर की तरफ निकलेंगे आबू पर्वत शहर से, तो निकलते ही सबसे पहले यही आएगा,
वहाँ पर जैन मंदिर है और अंदर हमें वीडियो वगैरह फोटो खींचना पहले ही बोर्ड लगा रहे थे मना है, तो इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन अगर आप जाएं तो अंदर जा करके देख करके आ सकते हैं। वहाँ पर रहने के लिए भी धर्मशाला वगैरह भी बनी हुई है। उसके बाद में लास्ट 10 नंबर, और 10 नंबर जो जगह हमें अच्छी लगी वो थी शंकर मठ। शंकर मठ में देखने के लिए ज़्यादा कुछ तो था नहीं, केवल एक चीज़ थी, वो थी शिवलिंग। वो एक ही पत्थर से बनाई हुई बहुत बड़ी शिवलिंग थी, उसी को कटिंग कर करके उसको शिवलिंग को एक ही पत्थर से उसको पूरा तरासा गया, तो वो बहुत बड़ी शिवलिंग थी। जब वो 6-7 फीट उसकी हाइट होगी, इतनी बड़ी शिवलिंग थी, वो भी एक ही पत्थर से, उसमें कोई जोड़ नहीं था, बस वो वहाँ पे एक देखने लायक है शंकर मठ के अंदर। वो आप कभी भी देख सकते हैं, एंट्री वगैरह फीस कुछ भी नहीं है और ना उसकी फोटो लेने देंगे। आप जब अचलगढ़ की तरफ जाएंगे या गुरु सीकर की तरफ जाएंगे, आबू करो शहर से जब निकल रहे हो ना, तो निकलते ही ये आएगा शंकर मठ। इसकी टाइमिंग भी है, आप सुबह में और शाम में जा सकते हैं। पर्टिकुलर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया, वो देख लेना। तो जस्ट आप देख सकते हैं बाहर से भी ऊपर एक शिवलिंग नजर आएगा और अंदर भी एक शिवलिंग रखा हुआ है। तो ये थी 10 जगहें माउंट आबू के अंदर घूमने वाली। अब इनके अंदर जो स्टार्टिंग ही हमने 5 बताई है ना, वो सबसे बेस्ट बताई है, और उसके बाद वाली 5 जो बताई है वो उनसे थोड़ी कम बेस्ट हमें लगी, उसके हिसाब से हमने आपको बताई। और सबसे पहली जो बताई थी वो सबसे बेस्ट बताई थी। जो सबसे अच्छा टाइमिंग है माउंट आबू घूमने का वो कौन सा है? वो टाइमिंग है दिवाली। जब दिवाली होती है उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, पूरी हरियाली होती है और बारिश का मौसम जाने वाला होता है। उस समय में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, सबसे अच्छा टाइम है घूमने के लिए, सबसे अच्छा टाइम है। और अगर आप माउंट आबू आएंगे तो आपके रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब सारे होटल हैं, खूब सारी धर्मशाला हैं, जैनों की भी है, गुरुद्वारे भी है, रघुनाथ धर्मशाला भी है और दूसरे भी कई सारे बने हुए हैं। किसी भी मौसम में आएंगे तो आपके यहाँ पर रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसे है कि दिवाली के आसपास अगर आप आएंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव लगेगा, और दूसरे टाइम में आएंगे जैसे कि होली के आसपास अगर आप आएंगे या फिर होली के थोड़ा बाद में भी आएंगे तब थोड़ा सा यहाँ पर कम एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव यानी कि जो ज़्यादा लोग होंगे तो जैसे आप अगर बाइक वगैरह रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो कम में नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी 100-150 में मिल जाएगी, नहीं तो 300 रुपये भी लगेंगे, वो डिपेंड करता है, इतना कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक सस्ता टूरिस्ट पैलेस की श्रेणी में आता है जो हिल स्टेशन है, उस सस्ती जगहों के अंदर से एक आता है। 300-400 तक तो आप किसी भी सीजन में आएंगे तो आपको रूम मिल जाएगा 300-400 तक का, तो आराम से तो आ सकते हैं। बहुत ही गजब की और अच्छी जगह है। और सबके जो जितने भी हमने टूरिस्ट प्लेस बताए उनमें सबसे लगभग सबके वीडियोस हमने बनाए हैं, सबके 7-8 वीडियो होंगे, हमने सब जगहों के वीडियो बनाए हैं सेपरेट, उनके आप उनको आप अलग से देख सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। माउंट आबू जो है वो सिरोही जिले के अंदर है, और सिरोही जिले में लास्ट एक मंदिर हम और गए थे, सरनेश्वर महादेव का मंदिर, वो भी हमें अच्छा लगा। अगर आपके भी रास्ते में इधर उधर से आ रहे हैं वहाँ पड़े तो मंदिर आप देख सकते हैं। और बाकी सिरोही में ज़्यादा टूरिस्ट पैलेस है ही नहीं दूसरे कोई, सिरोही के सिटी के अंदर है वो मंदिर, सिटी से 4-5 किलोमीटर सुमेरपुर साइड में है। चलो धन्यवाद, तो हमारी यात्रा कंटिन्यू जारी। अब हम जाएंगे नागौर जिले, एक्चुअली इसलिए कि एक दिन शादी थी इसलिए हमें वापस गाना पड़ा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जो 4 जिले कंप्लीट हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, अब होगा नागौर, नागौर के बाद हम जाएंगे जोधपुर। अभी तक हमने जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड, एक दिन में 4 जगह भी चले गए, फिर 2 दिन हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में समय लग गया, क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस के साथ में सुधार कर रहे हैं आपके लिए कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और समय पर बनाएं। तो आगे से आपको जो शाम को हमारा जो वीडियो अपलोड होगा वो शाम को होगा, दिन में भी होगा, कभी भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, लेकिन शाम को तो होगा ही होगा। वो इसलिए कि हम क्या करेंगे, पूरे दिन में घूम करके उस दिन में जो भी वीडियो होगा 1 या 2 उसी दिन डालेंगे, पेंडिंग नहीं रखेंगे। अभी तक मैं पेंडिंग वर्क में सही नहीं था, तो हम आगे से कंटिन्यू ये काम करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट करते रहें और लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सारे दबा करके रेडी रखें, तैयार रखें, सब्सक्राइब बटन और आइकन दबा करके बेल, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उनको अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।